यूपी के रामपुर में आखिर शहीद हुए 7 जवानों के परिजनों को इंसाफ मिल ही गया। सीआरपीएफ कांड में अदालत ने 4 आतंकियों को सजाए मौत, 1 आतंकी को उम्र कैद, 1 अन्य को 10 साल की सजा सुनाई है। रामपुर कोर्ट के एडीजे तृतीय संजय कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही रामपुर कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। गौरतलब है कि इस मामले में शुक्रवार को 8 आरोपियों में से 6 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जबकि 2 आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में बाइज्जत बरी कर दिया था। 31 दिसंबर 2007 को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। गौरतलब है कि रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के 11 साल 10 माह चली लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद 6 आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। इसी बीच वादी पक्ष की ओर से 38 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। इनमें फोरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर एसटीएस, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की आधी रात में आतंकी हमला हुआ था। इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली के तत्कालीन दरोगा ओम प्रकाश शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने करीब 200 गवाहों को दर्शाया था, लेकिन समय समय पर हुई सुनवाई में कुल 55 गवाह पेश हुए। इनमें से 38 गवाहों की गवाही सिर्फ सीआरपीएफ कांड के संबंध में हुई, जबकि 17 गवाहों की गवाही आरोपी फहीम अरशद पर दर्ज 1 अन्य मामले में हुई। कोर्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले में 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इस मामले में 2 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह जिम्पी ने बताया कि शनिवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। गुलाब खान निवासी बेहड़ी जनपद बरेली और कोशर खान निवासी कुंडा प्रतापगढ़ निवासी कोशर खान को दोष मुक्त किया गया है। आज किस तरीके का सजा का जो है ऐलान किया गया है कोर्ट की तरफ से, जी पूरी बात बताइए। इसमें जंग बहादुर को आजीवन कारावास मिला है और शेष मुलजिमान को फांसी की सजा। फांसी की? हाँ। फहीम को 10 वर्ष का कारावास। 6 लोग हैं, 6 लोगों को सजा। क्या क्या मामले हैं, क्या क्या आरोप उन पे सिद्ध हुए हैं? 5 लोगों पे सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करने वाला मामला था उसमें, और फहीम अरशद अंसारी पर जो है फर्जी पासपोर्ट रखना, रिवाल्वर रखना, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इसके द्वारा उनका इस्तेमाल करना। नहीं, मोबाइल बचाओ, कुछ कर रही है। जंग बहादुर को हुआ है आजीवन कारावास। मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली और सबाउद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन, इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा और मोहम्मद फारूक, इनको फांसी की सजा। ठीक। पाकिस्तान के कौन कोई? पाकिस्तान के 2 लोग हैं इसमें, इमरान शहजाद और फारूक, 2 लोग। कश्मीर का कौन है इसमें? अब एक्यूरेट जो एड्रेस हमारे पास है वो तो हमने बता ही रखा। चलिए ठीक ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।